इस बार सोनी एंटरटेनमेंट पर आए इंडियन आइडल सीजन 11 ने बहुत सुर्खियां बटोरी है। अपनी शुरुआत के साथ ही शो में आए कंटेस्टेंट ने शो को जबरदस्त टीआरपी दिलाई है। इस बार शो के सबसे फेमस कंटेस्टेंट सनी हिंदुस्तानी रहे, जिन्होंने शो को सबसे ज्यादा फेमस किया है। शो के साथ साथ सनी को भी जबरदस्त पहचान मिली है। सनी ने इस पूरे सीजन में एक से बढ़कर एक गाने गाए हैं। सनी हिंदुस्तानी ने अपने हर गाने पर तारीफें बटोरी हैं। अपनी गायकी के दम पर सनी बॉलीवुड की दो मूवीज में अपनी आवाज भी दे चुके हैं। हाल ही में इंडियन आइडल का विनर बनने के बाद सनी को कई सारे ऑफर्स भी मिले हैं। इनमें से एक ऑफर सनी को टी सीरीज से मिला है। इस बात की जानकारी टी सीरीज के हेड भूषण कुमार ने खुद ट्वीट कर दी है। सनी हमेशा नुसरत साहब के गाने गाते देखे जाते हैं। हाल ही में सनी का एक और गाना सामने आया है, जिसे वो हमेशा की ही तरह बहुत ही खूबसूरती से गाते नजर आ रहे हैं। सनी का ये गाना ग्रैंड फिनाले के पहले का है, जिसे वो बैक स्टेज पर गा रही हैं। कमाल की बात ये है कि सनी इस गाने को बिना किसी म्यूजिक के सिर्फ बांसुरी की धुन पर गा रही हैं। सनी इस वीडियो में तुझे देख देख सोना गाते नजर आ रही हैं। हमेशा की तरह इस गाने को भी सनी बड़ी ही खूबसूरती से निभा रही हैं। बता दें कि सनी बॉलीवुड की दो मूवी द बॉडी के गाने रोम रोम और हाल ही में आई कंगना रनौत स्टारर मूवी पंगा में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। सनी को किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए साइन भी कर चुके हैं और हाल ही में सनी को टी सीरीज से ऑफर भी मिला है। अब सनी टी सीरीज के लिए कौन सा गाना गाएंगे, इसकी एक्साइटमेंट सभी में बनी हुई है। और फिलहाल सनी का ये गाना सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है और लोग इस गाने को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।